वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो आपको आज नए लेक्चर में फिर से मुलाकात हुई। तो इस लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क इक्वेशन की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चा? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क इक्वेशन की। तो बच्चा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी मोटर है हमारी, वो क्या करती है? टॉर्क डेवलप करती है ना, करती है। अब इस टॉर्क को डेवलप करती है, तो इस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो बनाई गई होगी ना। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क इक्वेशन। अब हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी है, ये भी क्या करती है बच्चा? टॉर्क डेवलप करती है। अब इस टॉर्क डेवलप को, जो टॉर्क डेवलप करती है, इसको भी तो हम किसी ना किसी तरीके से, मतलब किसी इक्वेशन द्वारा फाइंड करते होंगे ना। तो वो इक्वेशन आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बोल सकते हैं बच्चा इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? डेवलप टॉर्क इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या बोल सकते हैं बच्चों? डेवलप टॉर्क इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो बच्चों, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में सप्लाई देते हैं, तो ठीक है दिया, अब स्टेटर में सप्लाई दी तो स्टेटर ने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। कैसी बिहेवियर की? रोटेटिंग बिहेवियर की। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स जो क्या हुआ, एयर गैप से पास होकर क्या हुआ? रोटर के द्वारा कट हुआ। अब रोटर के द्वारा कट हुआ तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अब ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट फ्लो हुई। अब रोटेट होने लगा, उसने क्या किया? एक टॉर्क डेवलप किया। अब वो टॉर्क जो डेवलप किया, वो कितना डेवलप किया, उस इक्वेशन को हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए। तो बच्चों, जो तो टॉर्क क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग कंडीशन में? जो बेटा डेवलप टॉर्क होता है ना, डेवलप टॉर्क होता है ना बच्चा, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? टी से। रनिंग कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन में भी बच्चे, दोनों में कुछ ना कुछ रनिंग कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन में लिखिए बच्चा, या स्टार्टिंग कंडीशन में। तो बच्चा अभी तो क्या हमने टी से लिख दिया टॉर्क, जो भी टॉर्क है। अभी हमने ये नहीं की बात कर रहे कि रनिंग कंडीशन है कि स्टार्टिंग कंडीशन। अभी हमने सिर्फ ये लिख दिया कि जो रोटर है उसने टॉर्क डेवलप किया, उसको टी से डिनोट करो। ठीक है बच्चा, अब मैं बता दूं कि ये टॉर्क जो बच्चा आपका होता है, तो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कौन? थ्री पैरामीटर्स पर इट डिपेंड्स ऑन, थ्री पैरामीटर्स। तो बच्चा थ्री पैरामीटर्स पर ये हमारा जो टॉर्क होता है ये डिपेंड करता है। तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से बच्चा, ये देख लेते हैं। ये थ्री पैरामीटर्स बच्चा, सबसे पहला पैरामीटर होता है पावर फैक्टर। क्या होता है बच्चा? कॉस फाई टू, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? रोटर पावर फैक्टर। रोटर पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है किसका? जो हमारा टॉर्क है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर पावर फैक्टर के। ठीक है बच्चा, मतलब पहला जो हमारी पैरामीटर कौन सा होगा? पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर, जिस पर हमारा टॉर्क डेवलप, मतलब डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा पैरामीटर जो है बच्चा वो है आई टू। आई टू बच्चा हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में? आई टू हमारी रोटर करंट थी। ठीक है बच्चा, जो हमारी रोटर करंट थी ना, वो भी हमारे टॉर्क के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो बच्चा हमारा है वो है हमारा फ्लक्स, यानी कि जो हमारा टॉर्क होता है ना, ये फ्लक्स। अब जैसे कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फ्लक्स तो होगा ना,
तो उस फ्लक्स को बच्चा मैंने फाई से दिखा दिया है। अब ये फाई क्या होता है बच्चा, टॉर्क के जो हमारा मोटर डेवलप कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चे मैंने क्या देखा, जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क था वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, रोटर पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई टू, रोटर करंट यानी कि आई टू, और आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स यानी कि फाई। और तीनों पैरामीटर्स के टॉर्क क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड लिख देता हूँ, और इसको इक्वेशन क्या कर देता हूँ, थर्ड लिख देता हूँ। अब बच्चे तीनों इक्वेशन को मैं क्या करूँ, कंबाइन कर दूँ। क्या करूँ बच्चा, कंबाइन कर दूँ। क्या करूँ, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। तो मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस फाई टू। ओके बच्चा, अब देखिए बच्चा क्या होता है यहां पर, अब देखिए फाई आई टू कॉस फाई टू। ओके क्या होता है, अब क्योंकि हमें देख लिया हमने फाई आई टू कॉस फाई टू है, हम क्या है, ये हमारा जो फाई है ना, ये फाई क्या होता है बच्चा हमारा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई टू के। ई टू बच्चा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि ई टू क्या होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है बच्चा, तो ये ई टू वो है। अब क्या होता है हमारा फ्लक्स क्या होता है, ई टू के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं फ्लक्स की जगह यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ई टू। ओके बच्चा, ई टू आई टू कॉस फाई टू। कोई प्रॉब्लम बच्चा यहाँ तक, नहीं? तो चलिए बच्चा देखिए, E2 I2 cos phi 2। अब जैसे कि प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल का साइन लगाने के लिए बच्चा हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, जिसको हमने k ले लिया, k E2 I2 cos phi 2। ओके बच्चा, cos phi 2। अब हमने क्या देख ली, इक्वेशन t बराबर k E2 I2 cos phi 2। इसको बच्चा मैं इक्वेशन 4 लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन लिख देता हूँ, 4 इक्वेशन लिख देता हूँ। अब बच्चा देखिए क्या है, E2 की वैल्यू क्या बच्चा आपको पता है, रुक जाइए बच्चा, क्या है ये, जैसे कि I2 है, ये क्या है आपकी रोटर करंट है, cos phi 2 रोटर पावर फैक्टर है। बच्चा आपको पता है पिछली वीडियो में देखा I2 बराबर क्या होता था बच्चा, S E2 अपॉन क्या होता था बच्चा, Z2। ओके बच्चा, Z2 होता था। और पावर फैक्टर यानी कि cos phi 2 बराबर क्या होता था बच्चा, cos phi 2 बराबर होता था बच्चा R2 upon Z2। ये दोनों वैल्यूज होती थी ना इनकी, तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में रख दीजिए, इक्वेशन 4 में I2 व cos phi 2 की वैल्यू रखने पर तो बच्चा क्या होगा, यहां पर रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, T बराबर के E2 इंटू एस ई टू इंटू इंटू आर टू अपॉन क्या हो जाएगा, जेड टू इंटू जेड टू। ओके अच्छा, मतलब क्या हो गया बच्चे यहाँ से, टी बराबर ई टू का मतलब ई टू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू स्क्वायर एस आर टू अपॉन क्या हो जाएगा, तो क्या है बच्चा, T बराबर क्या हो जाएगा हमारा, K E2 स्क्वायर S R2 अपॉन Z2 स्क्वायर। तो बच्चा Z की Z2 यहां पर क्या है पता आपको, रोटर इंपीडेंस। रोटर इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है बच्चा, रोटर इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, किसी को याद है, चलिए ठीक है याद है तो अच्छी बात है। तो Z2 बराबर होता है बच्चा अंडर रूट में R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये वैल्यू होती है, चलिए ये वैल्यू भी यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो लिखिए R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा आपका,
टी बराबर के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई बच्चा टॉर्क इक्वेशन। अब देखिए इसमें स्लिप भी है ना बच्चा, स्लिप कब होती है जब रोटर हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये बच्चा हमारा कैसा टॉर्क हो गया, ये हमारा हो गया बच्चा रनिंग टॉर्क हो गया, इसको हम टी आर से डिनोट कर दिया। तो हमारा टी आर की इक्वेशन क्या हो गई, टी आर बराबर के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब हमें रनिंग टॉर्क तो निकाल लिया। अब मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क कुछ अलग हुआ, क्यों, जैसे कि स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग कंडीशन में जब क्या होती है स्टैंड स्टिल कंडीशन होती है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है रोटर मतलब मोटर को सप्लाई तो मिलती है पर रोटर क्या होता है कुछ टाइम के लिए स्थिर अवस्था में होता है, उसे हम स्टैंड स्टिल कंडीशन कहते हैं, और जो कि स्टार्टिंग में रहती है। तो स्टार्टिंग में टॉर्क हमारा क्या डेवलप होता है, और स्टार्टिंग में हमारी स्लिप नहीं रहती है ना, क्या मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि टी एस टी निकालना है मुझे। अब क्या निकालना है, स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी। तो अच्छा एक बात जान लीजिए, स्लिप क्या होता है हमारा एन एस माइनस एन आर अपॉन यही होता है। अब अच्छा स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्टार्टिंग कंडीशन जब वाली बात करें, इन स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन वाली बात करें बच्चा, स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। स्टैंड स्टिल कंडीशन में एन आर स्टैंड स्टिल मतलब रोटर रुका हुआ है तो एन आर क्या जीरो नहीं होगा, होगा ना एन एस माइनस जीरो अपॉन एन एस। अब यहां से क्या आ जाएगा एन एस अपॉन एन एस, एन एस से एन एस कैंसिल, तो एस बराबर क्या हो जाएगा वन। मतलब स्टार्टिंग में बच्चे स्लिप की वैल्यू कितनी होती है वन, तो स्लिप की वैल्यू एस बराबर वन रख दीजिए किसमें, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा टी एस टी बराबर के इंटू वन इंटू ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स टू स्क्वायर। तो बच्चा इसको लिख दीजिए क्या हो जाएगा, ये टी एस टी बराबर के ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो बच्चा हमने क्या निकाल लिया, स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन भी निकाल ली। तो क्या क्या निकाल लिया बच्चा हमने, रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क। तो आइए शुरुआत से देखते हैं फिर से बच्चा, तो बच्चा हम क्या पढ़ रहे थे, टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है उसकी इक्वेशन। तो बच्चा हमने देखा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग या स्टार्टिंग टॉर्क जो डेवलप होता है वो तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। इस पर पहले बच्चा पावर रोटर पावर फैक्टर cos phi 2 के प्रोपोर्शनल, रोटर करंट I2 के प्रोपोर्शनल, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के phi के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ से हमने देखा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई टू कॉस फाई टू, यहाँ से हमने देखा फाई हमारा ई टू के प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हमने यहाँ पे आई की जगह ई टू रख दिया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू आई टू कॉस फाई टू। ठीक है बच्चा, अब क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है इसलिए हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया, तो हमारे इक्वल्स का साइन आ गया। अब इसके बाद लेने के बाद हमने आई टू और ई टू की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी। अब हमने रख दी वैल्यू, तो अब तब हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास टी बराबर के ई टू इंटू एस ई टू इंटू आर टू अपॉन जेड टू इंटू जेड टू। ठीक है बच्चा, तो ये ऐसी इक्वेशन आ गई हमारे पास टी बराबर के ई टू स्क्वायर एस आर टू अपॉन जेड जेड टू स्क्वायर। बच्चा जेड टू की वैल्यू होती है अंडर रूट में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, तो आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ पे जेड टू स्क्वायर था तो अंडर रूट खत्म हो गया इसका। तो टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी बच्चा, टी आर बराबर के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। तो बच्चा मैंने क्या बताया, यहाँ पर स्लिप है, मतलब क्या है ये रनिंग कंडीशन में है, तो रनिंग कंडीशन में जो स्लिप है तो हमारा ये कौन सा टॉर्क हो जाएगा, रनिंग टॉर्क। तो टी आर बराबर क्या हो गया के एस ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू, ये क्या हो गया बच्चा रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क। तो रनिंग टॉर्क बराबर के एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। अब बच्चा हमने देखा स्टार्टिंग कंडीशन जब क्या होता है, रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहता है स्टार्टिंग कंडीशन में, तब क्या होता है रुका रहता है वैसे कुछ टाइम के लिए, तो एन आर बराबर जीरो होती है तब। देखिए एस बराबर मान क्या होता है वन, मतलब स्टार्टिंग में स्लिप का मान वन होता है। तो अब यहाँ पर हमने उस स्लिप का मान स्टार्टिंग टॉर्क में रख दिया, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी नोट कर दी, इसमें स्लिप का मान वन रख दिया, तब हमारा स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू मतलब इक्वेशन क्या आई बच्चा, टी एस टी बराबर के ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो हमने
रनिंग टॉर्क की और स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन इस वीडियो में देख ली। तो ये एक टॉपिक जो आपका इंडक्शन मोटर में एग्जाम्स में आता है, ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।